यहाँ पे ट्रक वाले ने मुझे छोड़ा था, वहाँ से भैया ने मुझे लिफ्ट दिया है। भैया आपका नाम? नाम मेरा ओमवीर सिंह है। क्या? ओमवीर सिंह। भैया का नाम ओमवीर सिंह है और भैया आपने लगभग कितना किलोमीटर का मुझे लिफ्ट दिया है? भैया करीब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी दतिया में और आज का जो मेरा टारगेट है, मुझे जाना है आगरा। और दोस्तों आगरा यहाँ से करीब है 210 किलोमीटर और मैं हूँ अभी हाईवे पे और ये हाईवे जाएगा दोस्तों यहाँ से दतिया से ग्वालियर और ग्वालियर से जाएगा आगरा। तो अभी मैं यहाँ से मांगूँगा लिफ्ट और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। 210 किलोमीटर दोस्तों एक दिन में पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है लिफ्ट मांग के, तो देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली मुझे मिल चुकी है लिफ्ट और ये जो लिफ्ट मुझे मिला है ये मिला मुझे ट्रक में और ये लिफ्ट मुझे मिला है दतिया से और भैया ने मुझे दिया है लिफ्ट। भैया आपका नाम? क्या? मोनू कुमार। भैया का नाम है मोनू कुमार और एक भैया जो ड्राइवर है ट्रक के। भैया आपका नाम? विवेक यादव। भैया का नाम विवेक यादव जो कि इस ट्रक को चला रहे हैं। और दोस्तों मुझे जाना है आगरा और भैया आप कितने किलोमीटर का मुझे लिफ्ट दिए हो जहाँ पे मुझे आप छोड़ रहे हो? 200 किलोमीटर। करीब दोस्तों मुझे मिला है लिफ्ट 185 किलोमीटर का। भैया मुझे ले जाएंगे 185 किलोमीटर और फिर वहाँ पे जहाँ पे मुझे छोड़ेंगे वहाँ से फिर मुझे कोई ना कोई लिफ्ट लेना पड़ेगा आगरा के लिए। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे लिफ्ट दिया उसके लिए। थैंक यू भैया। I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. तो दोस्तों ये रहा मेरा बैग, क्या वो ट्रक जा रहा है जिन्होंने भैया ने मुझे लिफ्ट दिया है और ये जा रहे हैं भैया अभी दिल्ली और मुझे जाना है आगरा। तो आगरा के लिए दोस्तों सामने वाला जो रूट गया वही जाएगा आगरा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो दोस्तों ये हैं भैया जिन्होंने मुझे यहाँ पे दिल्ली वाला जो रोड है यहाँ पे ट्रक वाले ने मुझे छोड़ा था, वहाँ से भैया ने मुझे लिफ्ट दिया है। भैया आपका नाम? नाम मेरा ओमवीर सिंह है। क्या? ओमवीर सिंह। भैया का नाम ओमवीर सिंह है और भैया आपने लगभग कितना किलोमीटर का मुझे लिफ्ट दिया है? भैया करीब 16-17 किलोमीटर का। तो भैया ने करीब मुझे 16-17 किलोमीटर का लिफ्ट दिया है और यहाँ से भैया कितना है ताजमहल? यहाँ से ताजमहल होगा भाई 500-600 मीटर। तो दोस्तों यहाँ से ताजमहल करीब 500 या 600 मीटर होगा। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे लिफ्ट दिया उसके लिए। हाँ थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ से निकलूँगा ताजमहल के लिए और उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा अपने लिए ठिकाना कोई जहाँ पे मैं अपना कैंपिंग टेंट लगा सकूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो बाइक वाले भैया थे जहाँ पर उन्होंने मुझे उतारा था वहाँ से वो बोल रहे थे करीब 500 मीटर दूरी पर है ताजमहल। तो फिर मैंने भैया से बोला भैया मुझे कहीं ऐसा जगह पर ले जाओ जहाँ पर मैं अपना कैंप लगा सकूँ। तो फिर भैया मुझे वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी पर ले गए, फिर वहाँ पर मुझे वो उतारे। तो उसके बाद दोस्तों मैंने बहुत जगह खोजा और मैं पहले भैया के बारे में बता देता हूँ। भैया यूपी पुलिस में थे हेड कांस्टेबल के पद पर। तो दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा जगह खोजा, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रहा था। तो मैं जहाँ पर चेक इन एरिया दोस्तों जहाँ पे टिकट लेने के बाद चेक होता है कि आप बैग नहीं ले जा सकते, लगेज नहीं ले जा सकते, यहाँ पर चेक होता है। तो उसके जस्ट आप पीछे आएँगे थोड़ा सा तो आपको एक एरो दिखेगा महादेव मंदिर का। तो दोस्तों मुझे वो एरो दिखा, उसके बाद मैं सीधे वही रास्ता पकड़ के यहाँ तक आ पहुँचा। ये है महादेव का मंदिर जो कि ताजमहल से करीब 400 साल पुराना है। और फिर मैं मंदिर पे पहुँचा दोस्तों, तो मंदिर पे मैंने आके बाबा जी से बात किया तो बाबा जी ने मुझे यहाँ पे रहने की जगह दी, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। और फिर मैंने दोस्तों यहाँ पर अपना रात बिताया, क्यों मैं रात का कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो इसके अगला जो भी वीडियो रहेगा दोस्तों मैं रात को भी शूट करने वाला हूँ वीडियो यहाँ पर क्या कैसे है। और आज मैं जो और इसके अलावा वीडियो शूट करने वाला हूँ जो मैं ताजमहल का दिखाऊंगा कि ताजमहल में क्या कैसे और कितने का टिकट लगता है, तो वीडियो ज़रूर आप देखना।
और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, बाय बाय।